नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली विधानसभा चुनाव अब धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दल की सक्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई है और जो रणनीति है चुनाव जीतने की, कैंपेन करने की, वो भी आप देखिए तो धीरे धीरे दिल्ली में आपको जो मौसम है वो सियासी होता हुआ नजर आएगा। और इस कड़ी में अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, सत्ता दल आम आदमी पार्टी की बात करें, तो आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े लीडर्स सड़कों पर नजर आ रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और इस सब में अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो भी लगातार पदयात्राओं में शामिल हो रहे हैं। और इस बीच आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी ने हुंकार भर ली है अरविंद केजरीवाल को प्रचंड बहुमत से जिताने की। ऐसा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का कहना है। उन्होंने कहा कि जो पत्र अरविंद केजरीवाल ने लिखा है उस पत्र को लेकर दिल्ली के लोगों के बीच जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल प्रचंड बहुमत से जीतकर इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। क्या कह रहे हैं संजय सिंह, सुनिए। यात्राओं के माध्यम से हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और ये केजरीवाल जी का पत्र दिल्ली की जनता के नाम पे जो है ये पत्र जनता को पहुंचा रहे हैं। केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को आगाह किया है कि अगर गलती से बीजेपी जीत के आ गई तो उनकी सारी योजनाओं को रोक देगी। आज दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, बुजुर्गों की फ्री तीर्थ यात्रा, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, ये सारी योजनाएं अच्छे ढंग से संचालित हो रही हैं। और इसी के कारण केजरीवाल जी को जेल में डाला गया था, जनता के कामों को रोकने के लिए जेल में डाला गया था, मनीष सिसोदिया, सत्येन जैन को मुझे जेल में डाला गया था। लेकिन अब केजरीवाल जी ने और हम सब लोगों ने, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने संकल्प लिया है कि प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा केजरीवाल जी को दिल्ली में जिताएंगे और फिर से ये सारी जो योजनाएं हैं ये निरंतर जारी रहेंगी जैसे अभी मिल रही है। तो संजय सिंह को आपने सुना, उन्होंने ये तो कहा ही कहा कि अरविंद केजरीवाल प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, लेकिन इसके साथ ही ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार की जो योजनाएं हैं जिसमें महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री है, जिसमें आपको बता दें कि शिक्षा पर सरकार का बहुत ध्यान है, इसके अलावा स्वास्थ्य, पानी, ये तमाम बातें संजय सिंह गिना रहे थे और ये बता रहे थे कि दिल्ली के लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार ने और आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो काम किया है उसके बाद एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। आपको बताएं अगर कि आम आदमी पार्टी का जो इतिहास रहा है दिल्ली में वो ऐसा रहा है कि पार्टी ने पहला चुनाव लड़ा 2013 में। हालांकि पार्टी को बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मिली थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, सरकार 49 दिन चली, कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ। लेकिन 2015 का चुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़ा, 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ा, 2020 में 5 साल का टर्म कंप्लीट करने के बाद भी आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीटें मिली थी और बीजेपी को 8 सीट मिली थी। अब 2025 का चुनाव है और ये चुनाव जो है बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गया है और इसीलिए लगातार आप देखिए तो दिल्ली के भीतर आपको तमाम राजनीतिक दल जो है वो अब सड़कों पर नजर आएंगे, उनके जो नेता हैं वो आपको सड़कों पर नजर आएंगे। और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है एक बार फिर से दिल्ली में अपनी सरकार वापस बनाने की दिशा में। और इसी वजह से लगातार आम आदमी पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं, चाहे आप अरविंद केजरीवाल की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, संजय सिंह की बात करें, आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री का पद संभाल रही हैं उनकी बात कर लीजिए, सौरभ भारद्वाज को देख लीजिए, तमाम आम आदमी पार्टी के जो प्रोमिनेंट फेसेस हैं वो लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। जब से अरविंद केजरीवाल ने वो चिट्ठी लिखी है जनता के नाम, उस चिट्ठी को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। और ये बताने की एक तरीके से कोशिश है कि अरविंद केजरीवाल पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिस तरीके से उन्हें जेल में डाला गया, वो दरअसल एक षड्यंत्र था। अब दिल्ली की जनता को तय करना है चुनावों में कि वो इस बार किसको मौका देने जा रही है, लेकिन इस मौके को पाने के लिए आम आदमी पार्टी फिलहाल कोई कसर छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही है।
आप लोगों की क्या राय आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।